तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज आप सभी के लिए मैं कुछ एयरफोन लेकर आया हूँ, या एयरबड्स भी बोल सकते हैं, हेडसेट। दोस्तों इन हेडसेट की जो कीमत है वो सभी आपको मैं एक करके बताऊँ, इन हेडसेट की एक चेक करके आपको सभी को बताऊँ जो लिस्ट है मेरे पास। दोस्तों ये सभी हेडसेट एक अच्छे ब्रांड के हैं, जिसकी वजह से इनमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर मिल जाते हैं, अच्छी बैटरी, अच्छा साउंड। तो इन सभी के फीचर आप सभी को मैं एक चेक करके बता दूँगा। तो खमागढ़ी भाई और बहनों, मेरा नाम है श्याम सोहना, आप देख रहे हैं टेक्निकल फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों यहाँ पर पहला जो एयरबड्स है वो आता है रियलमी की तरफ से। दोस्तों ये है रियलमी एयरबड्स क्यू। दोस्तों इनकी प्राइस है फ्लिपकार्ट पर 1,999 रुपीज़। दोस्तों ये आपको फ्लिपकार्ट से 1,999 रुपीज़ में मिलेगा। दोस्तों इसकी जो बैटरी लाइफ है ये इसके हिसाब से, इस प्राइस रेंज के हिसाब से, इस सेगमेंट में सबसे अच्छी बैटरी लाइफ है, जिसकी बैटरी लाइफ है 20 घंटे की। जी हाँ दोस्तों, 20 घंटे की बैटरी लाइफ, गूगल असिस्टेंट आप में आपको इसमें इनबिल्ट मिलता है। साथ ही इसमें आपको टच सेंसिटिव सेंसर भी मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई भी काम करना हो उसके लिए सिर्फ टच करना होगा, जैसे कॉल उठाना, कॉल काटना, वॉल्यूम अप या डाउन, या फिर नेक्स्ट करने के लिए। दोस्तों आज चलते हैं हमारे नेक्स्ट एयरबड्स की तरफ, या फिर एयरफोन की तरफ। दोस्तों अगला जो हमारा एयरफोन है वो है वन प्लस वायरलेस जेड। जी हाँ दोस्तों, इसकी बैटरी लाइफ आपको 7-8 घंटे की मिलेगी। ये भी आपको फ्लिपकार्ट पर मिलेगा 1,999 रुपीज़ में। दोस्तों ये भी एक वायरलेस हेडसेट ही है, लेकिन ये कॉलर वाले हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर कॉलर में इसको डालना होगा और इसके वायर से आप इसको लगा सकते हैं। वही सभी फीचर आपको इसमें मिलते हैं, बस आपको इसमें किसी भी प्रकार के टच सेंसिटिव सेंसर नहीं देखने को मिलता है, बिकॉज इसमें ये कॉलर वाले एयरफोन है, तो इनमें आपको बटन्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको वॉल्यूम अप या डाउन करने सकते हैं, फ़ोन काट सकते हैं, उठा सकते हैं और नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट एयरफोन की तरफ। जो नेक्स्ट एयरफोन है वो है वूट एयरपॉड्स। जी हाँ दोस्तों, ये है वूट एयरपॉड 420। दोस्तों इसमें भी आपको रियलमी वाले सभी फीचर्स देखने को मिलते हैं, बस इसकी थोड़ी बैटरी लाइफ है, जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और इसकी जो बैटरी लाइफ है वो थोड़ी कम मिलेगी आपको। इसकी बैटरी लाइफ आपको कम से कम 12 या 13 घंटे की मिलेगी, 20 घंटे की नहीं मिलेगी। सभी फीचर्स आपको मिलते हैं, इनबिल्ट गूगल असिस्टेंट भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, टच सेंसिटिव सेंसर मिलते हैं, जिसमें आपको कॉल उठाने के लिए, कॉल काटने के लिए, आपकी वॉल्यूम अप या डाउन करने के लिए और नेक्स्ट करने के लिए भी आपको टच सेंसिटिव सेंसर मिलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट। दोस्तों हमारे नेक्स्ट जो एयरफोन है वो है रेडमी सोनिक बेस। दोस्तों ये भी आपको कॉलर वाले एयरफोन ही मिलते हैं, जिसमें आपको बैटरी के मामले में फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। इसमें आपको 7 से 8 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है, फीचर्स वही सभी मिलेंगे आपको इसमें, और गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा, टच सेंसिटिव सेंसर भी नहीं मिलेंगे, इसमें आपको बटन मिलेंगे, बटन वही हैं, वॉल्यूम को डाउन करने के लिए, कॉल उठाने के लिए, कॉल काटने के लिए, नेक्स्ट करने के लिए आपको सभी प्रकार के फीचर्स मिलते हैं। दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट एयरफोन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट एयरफोन है वो है वूट रॉक क्रेज। जी हाँ दोस्तों, ये आपको फ्लिपकार्ट पर देखने में मिलेगा, और इसकी जो प्राइस है वो है 1,499 रुपीज़। दोस्तों इसमें आपको सभी प्रकार के फीचर मिलते हैं, इसमें आपको टच सेंसिटिव सेंसर तो नहीं मिलेगा, साथ ही इसमें गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, बिकॉज ये कॉलर वाला एयरफोन है, तो इसमें आपको बैटरी लाइफ में भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, इसमें 7 से 8 घंटे की बैटरी लाइफ। बटन आपको सभी वही मिलते हैं, वॉल्यूम अप और डाउन करने के लिए, कॉल काटने के लिए, कॉल उठाने के लिए और नेक्स्ट करने के लिए। तो इनमें से आप सभी को कौन सा वाला ज़्यादा पसंद आया मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा जो पर्सनली बताऊँ फेवरेट, तो वो था मेरा रियलमी वाला, जिसमें आपको 20 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ में लगी बेल आइकन, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तब तक के लिए राम राम भाई। Once again.